गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर ICS ऑनलाइन पर, जहां हम तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, पर्टिकुलरली द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय MPPSC फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज। और पिछले कुछ लेक्चर से हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अलग अलग पक्षों को पढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में सबसे आखिरी कड़ी के रूप में आज पढ़ेंगे राजपूत काल में दक्षिण भारत के राजवंश, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द राजपूत पीरियड। कई महत्वपूर्ण डायनेस्टीज ने शासन किया है, बहुत प्रतापी और बहुत शौर्यवान और बहुत प्रसिद्ध शासक इस काल में हुए हैं, खासतौर पर राष्ट्रकूट वंश में जो पल्लव है, चालुक्य है, चाहे वो वातापी के चालुक्य हो या वेंगी के या कल्याणी के, और वाकाटक राजवंश है और चोल है खासतौर पे, तो अलग अलग राजवंश है और प्रसिद्ध शासक है। छोटा सा पोर्शन है, हम इसको पढ़ेंगे। और ख़ासतौर पे मैंने बताया कि हम इसमें सारे शासक नहीं पढ़ते किसी राजवंश के, उन्हीं शासकों को पढ़ेंगे जिनने कुछ बड़ा योगदान दिया है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए योग्य है। ठीक है, तो कई राजवंश हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रकूट की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश जो है, डायनेस्टी जो है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के का राजवंश है, और इनकी राजधानी जो है वो मान्यखेत है, मान्यखेत जो आजकल मालखेड़ कहलाती है, महाराष्ट्र में मालखेड़ है वही मान्यखेत है। ठीक है, और संस्थापक है दंती दुर्ग जो इनिशियली जो है बादामी के चालुक्यों का सामंत हुआ करता था, और बादामी का एक कमज़ोर शासक था कीर्तिवर्मन, तो कीर्तिवर्मन को मारकर दंती दुर्ग जो है वो जो है शासक बन गया था। तो दंती दुर्ग इज़ द फाउंडर, दंती दुर्ग ने ही मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। और ये खासतौर पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने उज्जैन में एक बड़ा यज्ञ कराया था जिसको हिरण्य गर्भ यज्ञ कहते हैं या हिरण्य गर्भ उत्सव कहते हैं। बड़ी मात्रा में सोना दान भी दिया था इसमें उसने। और दंती दुर्ग के बाद फिर जो प्रमुख शासक यहाँ पर हुए हैं वो कृष्ण प्रथम है, कृष्ण फर्स्ट खास तौर पे जाना जाता है आपके एलोरा में किए गए निर्माण के लिए। एलोरा की कुछ गुफाएं बनाई है कृष्ण प्रथम ने, और वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनाया जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखना, ये एक ऐसा मंदिर है जो मोनोलिथिक है, जो एकाश्मक है, एक बड़े पर्वत को काट के ही मंदिर बनाया गया। सुंदर नहीं है लेकिन तकनीकी दृष्टि से, आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे एक पूरे पर्वत को काट के एक लगभग 2-3 मंजिला मंदिर बनाया गया, और उसमें बड़ा स्तंभ भी बनाया गया। तो वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। कृष्ण प्रथम के बाद फिर यहाँ पर जो बड़ा प्रमुख शासक बना वो ध्रुव है, ध्रुव जिसको धारावर्ष भी कहते हैं, धारावर्ष। और ध्रुव की बड़ी उपलब्धियाँ साहब, ध्रुव ने बड़े विजय प्राप्त की है, और ख़ास तौर पे ध्रुव इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने नर्मदा नदी को पार किया और उत्तर भारत पर आक्रमण किया। इसने त्रिराष्ट्र संघर्ष में भाग लिया, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 राजवंशों के बीच में लड़ाई हुई है, पाल राजवंश जो बंगाल का था, प्रतिहार जो गुजरात के थे, और राष्ट्रकूट जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे। तो उसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से जो पहला शासक जिसने भाग लिया था वो था ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव ने इस युद्ध में भाग लिया और उसने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। उसने धर्मपाल को भी पराजित किया था, वत्सराज को भी पराजित किया, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय के लिए अधिकार रहा पर कर लिया था। ध्रुव के बाद जो है अगला शासक जो यहाँ पर बना है वो है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय तो बहुत ही ज़बरदस्त शासक था, एक्चुअली ध्रुव का बेटा है। ध्रुव जब बूढ़ा हो गया था तो उसने जो है गोविंद के पक्ष में अपना राज्य छोड़ दिया था,
अपना सिंहासन छोड़ दिया था और गोविंद शासक बन गया था। और गोविंद ने उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसने भी एक बार कन्नौज पर अधिकार किया। इसने भी एक प्रतिहार शासक था नागभट्ट सेकंड, उसको पराजित किया था। लेकिन उसके अलावा इसने मालवा पर, उसके अलावा जो दूसरे कदंब का राज्य था और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों को पराजित किया। कदंब तो खैर दक्षिण में है, उनको पराजित किया। और दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में तो इसके विरुद्ध एक संघ बना लिया था चोल शासकों ने, चेर ने, पल्लवों ने, गांगेय शासक थे, इन्होंने मिलकर एक संघ बना लिया था। तो उन सबको इसने पराजित किया गोविंद तृतीय ने। तो इसके लिए गोविंद तृतीय जो है वो जाना जाता, बड़ा विजेता है। और गोविंद तृतीय के बाद फिर शासक बना है आपका, गोविंद तृतीय के बाद फिर शासक बना अमोघ वर्ष जो है वो इस दृष्टि से तो कम महत्वपूर्ण है कि उसने कोई बड़ी विजय प्राप्त की है, लेकिन इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि उसने जो है साहित्य को, धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। एक संजन पत्र अभिलेख मिलता है, संजन ताम्र पत्र अभिलेख, इसका नाम याद रखना, संजन ताम्र पत्र अभिलेख, कॉपर प्लेट एडिक्स है विच वॉज फाउंड इन संजन, और वो अमोघ वर्ष ने ही लिखवाया है। तो उसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। एक तो ये कि ये कवि है, अच्छा लेखक है, और इसने किताब लिखी है कविराज मार्ग, कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, रिटन बाय अमोघ वर्ष। दूसरी चीज ये है कि इसके दरबार में कई विद्वान हैं और लेखक भी हैं, जैसे जिनसेन है, जिसने, जिनसेन नाम का राइटर है जिसने जो है आदि पुराण नाम की किताब लिखी, जैन धर्म पर आधारित है। ऐसे ही एक और लेखक है महावीराचार्य, इसने गणित सार संग्रह लिखी है। ये सब हो रहा है अमोघ वर्ष के दरबार में, गणित सार संग्रह। अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, ध्यान रखना, जैन धर्म को इन लोगों ने भी बढ़ावा दिया है, गोविंद ने भी बढ़ावा दिया है, लेकिन अमोघ वर्ष ने भी प्रोत्साहन दिया है। लेकिन अमोघ वर्ष जो है हिंदू धर्म के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता था। एक बार कहा जाता है कि देवी के मंदिर में जो है वो प्रार्थना के दौरान इतना मतलब भावुक हो गया कि उसने अपनी एक उंगली काट के देवी को चढ़ा दी थी अमोघ वर्ष ने। तो ये सब कुछ अमोघ वर्ष के समय की उपलब्धियां हैं। अमोघ वर्ष के बाद फिर छोटे छोटे शासक बने हैं। यहाँ पर कृष्ण तृतीय नाम का शासक बना। कृष्ण तृतीय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने एक चोल राज्य को पराजित किया था, कृष्ण थर्ड ने। ये कृष्ण फर्स्ट है, ये कृष्ण थर्ड। इसने एक चोल शासक को पराजित किया था, परांतक को, परांतक, परांतक नाम का चोल शासक है, उसको पराजित किया था परांतक फर्स्ट को। और इसी की याद में उसने जो है उपाधि धारण की थी तंजोयम कोंड यानी तंजोर का विजेता, क्योंकि चोलों की राजधानी तंजोर है, उसको जीता, तो तंजोयम कोंड की उपाधि धारण की थी कृष्ण तृतीय ने। बाद में फिर एक शासक बना था कर्क सेकंड को मार दिया था तेलप ने, और तेलप ने जो है फिर चालुक्यों की कल्याणी शाखा को स्थापित किया था। कर्क द्वितीय जो है वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है। ही वॉज डिफिटेड एंड किल्ड बाय तेलप हु वॉज ए फ्यूडल, एंड देन तोल तेलप एस्टैब्लिश द तेलप फाउंडेड द न्यू डायनेस्टी ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। आप देखिए दंती दुर्ग चालुक्यों को मार के ही शासक बना था, वादामी के चालुक्यों को, और इस वंश का अंत किया है एक चालुक्य ने जो कल्याणी का चालुक्य है, यानी वातापी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट और फिर कल्याणी के चालुक्य। तो राष्ट्रकूट चालुक्यों के बीच में एक प्रकार से सैंडविच था, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्य ही पढ़ लेते हैं हम। चालुक्य जो है वैसे तो बेसिकली वो बादामी के थे, बादामी कहते हैं, वातापी भी कहते हैं, वातापी या बादामी,
और ये कर्नाटक में है और इनकी कई शाखाएं, ध्यान रखना, चालुक्यों की। एक बातापी या बादामी के चालुक्य है, एक कल्याणी के चालुक्य है, एक वेंगी के चालुक्य है और एक गुजरात के भी चालुक्य है जो सोलंकी कहलाते हैं। गुजरात के ये जो कुमारपाल वगैरह है, कुमारपाल है, सिद्धराज है, जिनके दरबार में हेमचंद्र नाम का राइटर था, कुमारपाल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गुजरात का है, हालांकि पढ़ाऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाह रहा था। कुमारपाल नाम का शासक था, सिद्धराज का बेटा है और ये गुजरात का शासक है और इसने जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था, कुमारपाल प्रथम ने। उसके दरबार में हेमचंद्र नाम का एक जैन विद्वान था जिसने परिशिष्ट पर्व लिखा है, परिशिष्ट पर्व रिटन बाय हेमचंद्र, उसमें जैनों का इतिहास लिखा है। तो हेमचंद्र के कहने पर कुमारपाल ने भी जैन धर्म अपना लिया था। थोड़ा सा हम विषय से भटक रहे हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। और कुमारपाल ने जैन धर्म अपना लिया था और कुमारपाल ने फिर शांति और अहिंसा की नीति अपनाई, और अहिंसा की नीति इतनी ज़्यादा अपनाई कि उसने अपने राज्य में किसी भी प्रकार के मांस के क्रय विक्रय पर और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन शिकार पर प्रतिबंध लगाने से, मांस के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने से क्या हो गया? ये हो गया कि जो बहेलिए थे, जो शिकारी थे, वो सब जो है बेरोजगार हो गए। तो फिर कुमारपाल ने उनको जो है अगले 3 वर्ष तक आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी करने के लिए पैसा दिया, अनुदान दिया अपनी तरफ से, ताकि शिकार भी बंद हो जाए और जो लोग हैं वो भी बेरोजगारी के कारण समस्या का सामना ना करें। तो ये कुमारपाल था, ये चालुक्य था, गुजरात के चालुक्य, सोलंकी भी कहते हैं इनको। बाकी ये तीनों दक्षिण के हैं, बातापी कर्नाटक में है, कल्याणी महाराष्ट्र में है और वेंगी जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, और वातापी या बादामी के चालुक्य का संस्थापक है पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम ये संस्थापक है। और पुलकेशिन के बाद यहाँ पर फिर शासक बना था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बारे में कहा जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक है आपके पुलकेशिन, आपके वातापी के चालुक्य वंश का, क्योंकि इसने आसपास के काफ़ी क्षेत्रों पर कदम वंश को हराया था, पल्लवों को हराया और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था कीर्तिवर्मन ने। इसने पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी, सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी कीर्तिवर्मन ने। कीर्तिवर्मन के बाद फिर अगला शासक जो बना वो बना मंगलेश। एक्चुअली मंगलेश शासक नहीं था, शासक तो पुलकेशिन सेकेंड है, पुलकेशिन सेकेंड, लेकिन मंगलेश उसका चाचा था एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज केयरटेकर ऑफ पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड के संरक्षक के रूप में मंगलेश को नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसा होता है सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती, तो मंगलेश ने सारी जो पावर था, जो सत्ता था, वो सत्ता थी उसको अपने हाथ में रख लिया था। इसलिए जब पुलकेशिन थोड़ा वयस्क हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ पुलकेशिन सेकेंड, तो जो है इसको पुलकेशी भी मिलता है, इसका नाम ध्यान रखना। तो पुलकेशिन कह लो, पुलकेशिन सेकंड कह लो, इसने फिर मंगलेश से संघर्ष किया, उसको सत्ता प्राप्त करने के लिए मंगलेश से लड़ना पड़ा। अल्टीमेटली ही किल्ड हिज अंकल मंगलेश, मंगलेश को मार दिया था पुलकेशिन सेकंड, और फिर यह वातापी का स्वतंत्र शासक बना। पुलकेशिन जो है जबरदस्त रूप से एक प्रतापी राजा है, कई युद्ध लड़े, एक युद्ध तो उसने सम्राट हर्ष से लड़ा, कन्नौज के राजा हर्ष, और नर्मदा के किनारे लड़ा गया वो युद्ध, इसलिए उसको रेवा का युद्ध कहते हैं। लगभग 643-644 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है, और इस युद्ध में पुलकेशिन ने हर्ष को पराजित किया था, और इस युद्ध का वर्णन मिलता है एहोल प्रशस्ति में। पुलकेशिन का ही एक अभिलेख है एहोल प्रशस्ति, जो कर्नाटक के एहोल में मिला है, इसलिए एहोल बोलते हैं। एहोल में एक मंदिर बनाया गया था, वहाँ एहोल में एक विष्णु का मंदिर है, उस पुलकेशिन ने ही बनाया उस मंदिर को, और उस मंदिर में मिलता है एहोल प्रशस्ति जो इसके मंत्री ने लिखी थी कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन नाम का इसका एक मंत्री है, सॉरी कीर्तिवर्मन नहीं है, गलती हो गई, मिटाइए, रवि कीर्ति जैन है, सॉरी रवि कीर्ति जैन,
रवि कीर्ति जैन, जैन है, उसने लिखी एहल प्रशस्ति। और उस एहल प्रशस्ति में वर्णन मिलता है रेवा के युद्ध का, जो लड़ा गया पुलकेशिन और हर्ष के बीच में, और हर्ष इसमें पराजित हुआ है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए इसमें एहल प्रशस्ति में हर्ष को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। सकलोत्तरा पथनाथ, सकल उत्तरा पथ का नाथ यानी स्वामी मालिक हर्ष को, हर्ष की प्रशंसा की है। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इसमें पुलकेशिन की प्रशंसा अपने आप छुपी हुई, क्योंकि पुलकेशिन ने उसको पराजित किया है। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि पुलकेशिन जो है इसके समय चालुक्यों का पल्लवों से संघर्ष होना शुरू हुआ। चालुक्य और पल्लव संघर्ष कई वर्षों तक चला है, बट दैट स्टार्ट्स इन दिस पीरियड। और इसका युद्ध हुआ है महेंद्र वर्मन से, पल्लव शासक है एक महेंद्र वर्मन, उससे युद्ध हुआ और इसने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। महेंद्र वर्मन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन ने कांची कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन ने कांची कोंड, कांची कोंड, कोंड शब्द मैंने आपको बता दिया, कोंड याद रखना, कोंड यानी विजेता होता है। तो चूंकि पल्लवों की राजधानी कांची थी और इसने कांची को हराया और जीत लिया, इसलिए कांची कोंड कहलाया, यानी कांची का विजेता कहलाया। लेकिन महेंद्र वर्मन के बाद अगला जो शासक बना पल्लवों का, नरेंद्र वर्मन, सॉरी नरसिंह वर्मन, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है उसने फिर पुलकेशिन को पराजित किया और पुलकेशिन को मार ही दिया था, ही किल्ड पुलकेशिन। तो इस तरह से पुलकेशिन सेकंड का अंत हो गया। पुलकेशिन सेकंड के बाद वातापी के राज्य में कोई बड़ा ऐसा शासक हुआ नहीं है। पुलकेशिन थर्ड वगैरह हुए हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है, तो ये है साहब वातापी के चालुक्य। लेकिन पुलकेशिन ने देखिए वेंगी के क्षेत्र पर अधिकार किया था। वेंगी पहले पिष्टपुर कहलाता था, तमिलनाडु के क्षेत्र में है, और यहाँ पर एक शासक मतलब वेंगी को जीतने के बाद, पुलकेशिन सेकंड की ही बात कर रहा हूं, उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का, विष्णुवर्धन इसको वहां का शासक नियुक्त किया था। पुलकेशिन सेकंड ने वेंगी को जीता, विष्णुवर्धन अपने भाई को वहां पर नियुक्त किया। लेकिन बाद में विष्णुवर्धन पुलकेशिन से स्वतंत्र हो गया था, उसने अपना एक अलग राज्य बनाया, वही कहलाती है वेंगी की चालुक्य शाखा, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, बाकी ज्यादा इसके बारे में कोई विवरण मिलता नहीं। हाँ, कल्याणी के चालुक्य एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, उसको देख लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य जो है इसका संस्थापक तो तेलप है। तेलप कई बार चर्चा में आ चुका है, मैंने अभी बताया था कि जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक था कर्क सेकंड, इसको मार दिया था तेलप द्वितीय ने, तेलप द्वितीय यानी तेलप सेकंड, एंड ही फाउंडेड द कल्याणी ब्रांच ऑफ चालुक्यास। तो ये कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं, चूंकि ये बाद में बने। देखो वातापी के चालुक्य खत्म हो गए, फिर राष्ट्रकूट आ गए, राष्ट्रकूट खत्म हो गए और फिर कल्याणी आए, इसलिए इनको बाद के चालुक्य कहते हैं, परवर्ती चालुक्य कहते हैं, लेटर चालुक्य कहते हैं। चूंकि कल्याणी इनकी राजधानी थी जो बॉम्बे में है महाराष्ट्र में, इसलिए कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। ध्यान रखना इनको वेस्टर्न चालुक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में थे, तो वेस्टर्न चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। तो चाहे पश्चिमी चालुक्य कह लीजिए, चाहे परवर्ती चालुक्य कह लीजिए, चाहे कह लीजिए कल्याणी के चालुक्य, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय तेलप सेकंड। तेलप का इतिहास मैंने बता ही दिया था आपको कि मेरुतुंग की जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें वर्णन मिलता है कि तेलप ने, तेलप को कभी वो जो मालवा का परमार शासक है मुंज, उसने कई बार पराजित किया। लेकिन बाद में तेलप ने वाक्पति मुंज को पराजित किया और उसे मार दिया था। हालांकि वाक्पति मुंज के बेटे सिंधुराज ने फिर तेलप को पराजित किया और उसे मार दिया था। ठीक है, तो ये तेलप सेकंड है। तेलप के बाद ध्यान रखना इस पूरे मतलब कल्याणी के चालुक्यों का लगातार मालवा के शासकों से, परमारों से युद्ध होता रहा है। ठीक है, दूसरा इनका चोलों से भी युद्ध हुआ है। इस वंश में एक शासक सोमेश्वर भी हुआ है जिसका चोलों से युद्ध होता रहता था, सोमेश्वर फर्स्ट। फिर एक शासक बना है आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम के तो बहुत शासक है यहाँ पर, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर विक्रमादित्य सिक्स्थ की, छठे की। ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ बहुत प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि उसके दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान थे।
एक तो विक्रमादित्य के दरबार में विद्वान था बिल्हण, बिल्हण नाम का राइटर है जिसकी किताब बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। इसने किताब लिखी विक्रमांक देवचरित, विक्रमांक देवचरित। दिस वॉज द बुक रिटन बाय विक्रमादित्य सिक्स, नॉट विक्रमादित्य सिक्स, रेदर बाय बिल्हण हु वॉज इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य सिक्स। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कभी एक बार जिक्र किया था कि एक किताब है जो जो कानून की, हिंदू कानून की बड़ी प्रसिद्ध किताब है, नाम है मिताक्षरा, जिसे लिखा है विज्ञानेश्वर ने। याद रखना ये बहुत पूछते हैं किताब। तो ये विज्ञानेश्वर हु वॉज द राइटर ऑफ मिताक्षरा, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य सिक्स। ये इसकी बड़ी उपलब्धि है। इसके समय एक नया कैलेंडर, एक नया संवत भी चलाया गया दक्षिण में, जिसको विक्रम संवत ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का विक्रम संवत कहते हैं, वो इसके कार्यकाल में चलाया गया। बाद में यहां पर एक सोमेश्वर थर्ड नाम का एक और शासक हुआ, सोमेश्वर थर्ड। सोमेश्वर थर्ड की विशेष चीज यह है कि इसने जो है एक किताब लिखी है मानसोल्लास। ये किताब भी अक्सर पूछी जाती, मानसोल्लास है, ये आर्किटेक्चर पर, स्कल्पचर पर लिखी गई किताब है। मानस उल्लास है तो जोड़ दो तो हो जाता है मानसोल्लास, रिटन बाय सोमेश्वर थर्ड। तो ये सब साहब चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। अब चालुक्यों के बाद दक्षिण भारत में फिर बचते हैं पल्लव। पल्लव, पल्लव जो है ये कांची के शासक है। कांची यानी आजकल तमिलनाडु में है, मदुरई के पास वाला जो क्षेत्र है वो कांची है, और बहुत पुराना राजवंश है ना, गुप्त काल से चला आ रहा है। आप कभी देखेंगे, आपने कभी पढ़ा हो, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किया तब कांची में उसने विष्णुगोप को पराजित किया था, विष्णुगोप को, वो भी पल्लवी था, ठीक है। तो पल्लवों का संस्थापक जो है बप्पदेव को माना जाता है, बप्पदेव। लेकिन पहला जो थोड़ा शक्तिशाली राजा है वो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु, ये पल्लव है। और सिंह विष्णु के दरबार में दो बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक तो भारवी इसके दरबार में था, भारवी जिसने किरातार्जुनीयम लिखी है, भारवी हु वाज द राइटर ऑफ किरातार्जुनीयम, ठीक है। और अनदर वाज दंडिन, दंडिन ने कौन सी किताब लिखी, ये दोनों इसके कोर्ट में ऐसा माना जाता है। भारवी तो कन्फर्म था, दंडिन के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन। दंडिन ने लिखा है दश कुमार चरित, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, नाटक है। और इसके अलावा एक किताब लिखी है काव्यादर्श या काव्य आदर्श, अलग अलग करो तो काव्य आदर्श, मिला के कहो तो काव्य आदर्श। दीज आर द टू बुक्स रिटन बाय दंडिन। ध्यान रखना, इसके बाद जो प्रसिद्ध शासक है पल्लव का, वो है आपका महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, इसने मत विलास की उपाधि धारण की थी, और विजेता तो ये भी था, लेकिन मैंने अभी बताया था कि इसको पुलकेशिन सेकंड ने पराजित कर दिया था और मार दिया था। इसने संगीत पर भी एक किताब लिखी है, ध्यान रखना, एक संगीत पर किताब लिखी है, एक किताब इसने ना एक हास्य पर किताब लिखी जिसको मत विलास प्रहसन कहते हैं। ये किताब लिखी है महेंद्र वर्मन ने, मत विलास प्रहसन, ठीक है। महेंद्र वर्मन के बाद फिर इसका बेटा शासक बना था नरसिंह वर्मन, ये सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा है इस वंश का, नरसिंह वर्मन सेकेंड, जिसने मामल्ल की उपाधि धारण की थी, मामल्ल। और नरसिंह वर्मन की एक उपलब्धि तो यह है कि इसने आपके पुलकेशिन सेकेंड को पराजित किया था, और उसको पराजित करने के बाद इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अब आप समझ गए होंगे वातापी कोंड का क्या मतलब है, क्योंकि पुलकेशिन की राजधानी वातापी थी और इसने पुलकेशिन को हराया यानी वातापी को जीत लिया, तो वातापी को जीता है इसलिए वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। और इसने वातापी में एक मंदिर भी बनाया, मंदिर तो नहीं बनाया, एक विष्णु मंदिर था वातापी में पहले से, जो मंगलेश ने बनाया था, मंगलेश ने वातापी मंदिर बनाया, वातापी का विष्णु मंदिर बनाया था, वहाँ पर इसने लेख लिखवाए, वहाँ पर इसने कुछ
लेख लिखवाया और अपने आप को वातापी कोंड कहा है। तो एक तो नरसिंह वर्मन की उपलब्धि है, नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। एक्चुअली श्रीलंका में एक राजकुमार था मान वर्मा, जिसको वहाँ से हटा के भगा दिया गया था। तो इसने उस मान वर्मा की सहायता की, श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका के सिंहासन पर मान वर्मा को फिर से एक बार स्थापित किया। किसने? आपके नरसिंह वर्मन ने। ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन की एक उपलब्धि यह भी है कि इसी के समय कभी हैन सॉन्ग इसके दरबार में आया था। वैसे तो हम जानते हैं कि हैन सॉन्ग चाइनीज ट्रैवलर था एंड ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ हर्ष ऑफ कन्नौज। कन्नौज के शासक हर्ष के दरबार में कभी आया था हैन सॉन्ग। लेकिन हैन सॉन्ग ने भारत के कई क्षेत्रों की यात्रा की, वो असम भी गया था और वो संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कांची आया था। कांची, ध्यान रखना, संस्कृत विद्यालयों का केंद्र था। यहाँ पर कई संस्कृत विद्यालय थे, उनको घटिका कहा जाता था। घटिका, घटिका नाम याद रखना, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है इस पर। घटिका जो है संस्कृत विद्यालय थे, दक्षिण भारत में संस्कृत विद्यालयों को घटिका कहते थे और कांची में ऐसे कई विद्यालय थे और वहाँ पढ़ने के लिए कभी आया था हैन सॉन्ग, हु वाज़ ए चाइनीज ट्रेवल विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ हर्ष। तो इसने संस्कृत को भी बढ़ावा दिया है नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन की लेकिन एक ज़बरदस्त उपलब्धि है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इसने चेन्नई के पास एक जगह है ममलेश्वर या ममलापुरम, जो आजकल महाबलीपुरम भी कहलाती है। वैसे ओरिजिनली वो मामल्लपुरम है, क्योंकि मामल्ल ने बसाया था उसको नरसिंह वर्मन ने, फिर मामल्लापुरम कहलाती है, महाबलीपुरम कहलाती है। वहाँ पर इसने समुद्र के तट पर मंदिर बनाए बहुत सारे, जिनको रथ मंदिर कहते हैं, चैरियट टेम्पल कहते हैं, बिकॉज दोज टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन द शेप ऑफ ए चैरियट, रथ के रूप में बनाए गए थे। दूसरी चीज़ ये कि वो सब एकाश्मक मंदिर है, मोनोलिथिक टेम्पल्स। मोनोलिथिक मतलब विच वेयर कार्व्ड ऑन ए सिंगल रॉक, एक चट्टान को काट काट के उसको उकेर उकेर के मंदिर का रूप दिया गया। तो ऐसे मोनोलिथिक या एकाश्मक मंदिर बनाए हैं, उनको रथ मंदिर भी कहते हैं, उनको तट मंदिर भी कहते हैं क्योंकि समुद्र तट पर बने हैं। उनके कई नाम हैं, उनको सेवन पेगोड़ा कहते हैं क्योंकि सात रथ, उसमें पांडव के अलग अलग चरित्र के, द्रौपदी का, कृष्ण का, अर्जुन के मंदिर है, एक गणेश का मंदिर भी है, गणेश का रथ, सबके रथ है अलग अलग, गणेश जी का भी रथ है। तो वो बनाए सात, तो सेवन पेगोड़ा भी कहते हैं उनको, वो बनाया है किसने? नरसिंह वर्मन ने। इनको मामल्ल शैली के मंदिर कहते हैं, ध्यान रखना, मामल्ल शैली के, इस टेम्पल्स ऑफ मामल्ल स्टाइल। नरसिंह वर्मन के बाद फिर नरसिंह वर्मन सेकंड शासक बना, पहले महेंद्र वर्मन सेकंड बना, फिर नरसिंह वर्मन सेकंड बना। और नरसिंह वर्मन सेकंड ने मंदिर बनाया यहाँ पर, नरसिंह वर्मन सेकंड ने यहाँ पर मंदिर बनाया है कांची का कैलाश मंदिर। कांची में एक कैलाश मंदिर है, वो बनाया, वो नरसिंह वर्मन सेकंड की शैली का माना जाता है, अपराजित वर्मन की शैली बोलते हैं, वो बनाया। बाद में यहाँ पर एक नंदी वर्मन शासक हुआ जिसने वैकुंठ पेरुमाल का मंदिर बनाया है। तो ये सब पल्लव शासक है, सब पल्लव शासक खासतौर पे अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये है पल्लव। पल्लवों के बाद आप देखिए एक वाकाटक वंश भी हुआ है दक्षिण भारत में। वाकाटक जो है वो महाराष्ट्र के शासक है बेसिकली। वाकाटक, और इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उसने कई बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं, सब चार अश्वमेध यज्ञ कराए थे विंध्य शक्ति ने। और इसने अपना राज्य स्थापित किया महाराष्ट्र में और राजधानी थी इसकी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, नंदीवर्धन जो है वो नागपुर के आसपास का क्षेत्र है। एक्चुअली आप नागपुर को ही नंदीवर्धन कह सकते हैं। तो वहाँ राज्य स्थापित किया विंध्य शक्ति ने। और विंध्य शक्ति के बाद यहाँ जो शासक बने हैं उसमें एक तो रुद्रसेन बना है, रुद्रसेन फर्स्ट, और फिर इसके बाद यहाँ शासक बना है प्रवरसेन। प्रवरसेन खासतौर पर इसलिए जाना जाता है, प्रवरसेन सेकंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक तो प्रवरपुर नाम का शहर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बना ली थी प्रवरपुर को। दूसरा ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसने एक किताब लिखी थी सेतुबंध।
सेतु बंध नाम की किताब लिखी। ये किताब भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रिटन बाय प्रवरसेन। बाद में यहीं पर एक रुद्रसेन सेकंड नाम का शासक हुआ, रुद्रसेन सेकंड, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे की शादी की थी, अपनी बेटी की शादी की थी, सॉरी बेटी प्रभावती थी। और वाकाटक राज्य से की राजकुमार से विवाह करने के बाद प्रभावती जो है वहाँ की रानी बन गई, लेकिन वो रुद्रसेन की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ शासन किया है प्रभावती ने। और प्रभावती ने कई वर्षों तक शासन किया, जिसका उल्लेख मिलता है पूना के अभिलेख में। पूना का अभिलेख जो है वो प्रभावती का ही है। वॉज ए डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। और प्रभावती ने वहाँ पर भी गुप्तों का अपना जो सरनेम था वो जारी रखा, और अपने राजवंश में गुप्त के राजवंश को भी लिखा है, इसलिए पूना के अभिलेख में गुप्त राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये वाकाटक राजवंश है साहब। अंतिम राजवंश के रूप में हम पढ़ रहे हैं चोल। चोल, चोल जो है वो तमिलनाडु के, सुदूर तमिलनाडु के शासक है, चोल राजवंश। देखिए, चोलों का उल्लेख इतिहास के दो काल में मिलता है। एक संगम काल है, मैं संगम काल भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और दूसरा राजपूत काल है। संगम काल जो है वो है लगभग मौर्य काल के समय का, मतलब 300 ईसा पूर्व से लेके लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, फर्स्ट सेंचुरी एडी, 300 बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी। और संगम काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीरियड में दक्षिण भारत के जो कई अलग अलग राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य, खासतौर पर तीन राजवंश थे। इन राजवंशों ने तमिल साहित्य को बढ़ावा दिया, तमिल लेखकों को बढ़ावा दिया, तिरुवल्लुवर जैसे, तोलकापियार जैसे लेखकों को बढ़ावा दिया, और कई राइटर थे जिसने, इलंगोडिल भी था, और ऐसे राइटर्स को जो है, इलंगोडिल ने जो है अट्टम पट्टू करके एक किताब लिखी थी, तोलकापियार ने तोलकापियम लिखी थी, और तिरुवल्लुवर ने तिरुकुराल नाम की एक किताब लिखी थी जो तमिल का वेद माना जाता है। तिरुवल्लुवर बहुत प्रसिद्ध तमिल राइटर है। तो ऐसे कई राइटर्स की सभाएं होती थी, कई वर्षों के बाद होती थी, उनको हम कहते थे संगम। तो ऐसे तीन संगम हुए, मदुरई में हुआ, अलावे में हुआ, कपाटपुरम में हुआ, अलग अलग जगह हुए। तो वो पीरियड को संगम काल कहा जाता है। उस काल में भी चोल राजवंश था, और उस समय के चोल राजवंश का संस्थापक करिकाल था। करिकाल, कभी कहते हैं कि हवन करते हुए इसके हाथ और पैर जल गए थे, तो काले हाथ हो गए थे, इसलिए करिकाल, कर यानी हाथ, काल यानी काला। लेकिन हम तो इसकी काल की बात नहीं कर रहे, हम तो राजपूत काल की बात कर रहे हैं। राजपूत काल में इसका संस्थापक है विजयालय। विजयालय इज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी इन राजपूत पीरियड। इसके बाद फिर आदित्य प्रथम नाम का शासक बना था, आदित्य प्रथम, और उसके बाद फिर शासक बना राजराज प्रथम। बड़ा जबरदस्त विजेता, बड़ा जबरदस्त शासक राजराज। की उपलब्धि यह है कि राजराज ने जो है एक तो श्रीलंका को पराजित किया था, श्रीलंका को जीता, खासतौर पर उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया था, और वहाँ अपना राज्य स्थापित कर दिया था, और श्रीलंका को नया नाम दिया इसने, मुम्मडी चोल मंडलम। श्रीलंका को मुम्मडी कहा जाता था, तो उसका नाम रखा मुम्मडी चोल मंडलम। मंडलम यानी स्टेट, प्रोविंसेस को सब मंडलम कहा जाता था, ठीक है, तो मुम्मडी चोल मंडलम कहा गया। और राजधानी बदल दी, पहले राजधानी होती थी अनुराधापुर, लेकिन इसने पोलो ननुरवा करके एक राज्य बना दिया था, पोलो ननुरवा नाम के शहर को राजधानी बना दिया था। तो ये इसने श्रीलंका में किया। इसके अलावा इसने, ऐसा कहा जाता है कि इसने 1000 द्वीपों के क्षेत्र को जीता था,
ठीक है। बाद में इसको और ढंग से इसका शोध हुआ, तब फिर ये माना गया कि साहब ये 1000 द्वीप जो है एक्चुअली लक्षद्वीप और मालदीव वाले क्षेत्र थे। तो लक्षद्वीप और मालदीव वाले क्षेत्रों को भी इसने जीता है, इसने मतलब किसने जीता है, राजराज ने जीता है। ठीक है, राजराज बोलते हैं और राजराज प्रथम भी कहते हैं, क्योंकि बाद में भी राजराज नाम के शासक हुए। एक और उपलब्धि यह है कि राजराज ने मंदिरों का निर्माण किया है, खास तौर पे इसने इसने जो है आपके वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया तंजौर में। ध्यान रखना तंजौर इनकी कैपिटल है। ये जो संगम काल है ना, इसमें उनकी राजधानी उरैयूर थी, कभी आ जाए तो देख लेना, उरैयूर राजधानी थी संगम काल में। बट इन मॉडर्न पीरियड, नॉट इन मॉडर्न पीरियड बट इन राजपूत पीरियड, द कैपिटल वाज तंजौर। तो तंजौर में इसने वृहदेश्वर मंदिर बनाया, वृहदेश्वर। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर छोटी सी बता दूं, मैंने आपको कृष्ण तृतीय नाम का शासक बनाया था, बताया था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने मैंने बताया था कि परांतक फर्स्ट नाम के चोल शासक को पराजित किया था, जो बाद में आया है ना, और उसको पराजित करने के बाद कृष्ण तृतीय ने वहां पर रामेश्वरम में कुछ मंदिरों का निर्माण किया था, खासतौर पे कृष्णेश्वर मंदिर बनाया था जो अपने नाम पर, कृष्ण तृतीय कृष्णेश्वर मंदिर, और इसके अलावा एक गंड मार्तंड मंदिर का निर्माण भी किया था उसने रामेश्वरम में। ठीक है, तो यहां से याद आ गया मुझे, तो वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि राजराज ने बनाया था। राजराज के बाद फिर शासक बना इसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट, ये इससे भी ज्यादा प्रतापी था। एक तो इसने पूरे के पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, मतलब श्रीलंका पर आधा अधिकार किया था किसने, श्रीलंका पर आधा अधिकार किया था आपके आपके राजराज ने, और इसने जो है पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, द एंटायर श्रीलंका वाज एक्वायर्ड, और वहां का जो शासक था उसको बंदी बनाया और उसको मार दिया था। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा एक चीज बताना छूट गया था, राजराज फर्स्ट के समय भी ये जो राज्य है आपके इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, जावा सुमात्रा, यहाँ पर श्री विजय राज्य कहते थे इसको, और या कडारम का क्षेत्र कहते थे। तो यहाँ के राजाओं ने कुछ अनुमति मांगी, क्योंकि यहाँ के राजा बौद्ध होते थे, शैलेंद्र वंश के राजा थे, बौद्ध होते थे, तो इन्होंने एक परमिशन मांगी थी नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की। ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट ने उन राजाओं को अपने यहाँ बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी, श्री विजय राज्य के राजाओं को जो जावा और सुमात्रा है, यानी आजकल का इंडोनेशिया है। एक और चीज थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको, राजपूत काल में मैंने आपको पाल वंश में एक राजा बताया था देवपाल। देवपाल के समय भी ऐसे ही इंसिडेंस हुआ कि यहाँ के शैलेंद्र वंश के शासकों ने नालंदा में कुछ बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, और देवपाल ने ऐसी अनुमति दी थी शैलेंद्र वंश के शासकों को। यहाँ पर जो है राजेंद्र फर्स्ट ने श्री विजय वंश के उन राजाओं को पराजित किया था, कडारम क्षेत्र बोलते हैं, कडारम कह लीजिए, श्री विजय राज्य कह लीजिए, शैलेंद्र वंश के राज्य कह लीजिए, उनको पराजित किया राजेंद्र फर्स्ट ने, और उसको कडारम का युद्ध बोलते हैं, और उस पूरे क्षेत्र को एक्वायर कर लिया था। इसने अंडमान और निकोबार के क्षेत्र पर भी अधिकार किया है, तो खूब सारे आइलैंड्स पर अधिकार किया। ये शो करता है कि इन दोनों के पास बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। ओनली ऑन द वर्च्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेवी दे कुड एक्वायर ऑल दिस आइलैंड्स। ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट ये है। राजेंद्र फर्स्ट की दूसरी उपलब्धि ये है कि इसने बंगाल पर आक्रमण किया था। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसने बंगाल पर आक्रमण करके महिपाल नाम के राजा को पराजित किया था। तो गंगा को क्रॉस करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने गंगा को क्रॉस किया, और उसी उपलक्ष में इसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की, गंगे कोंड, गंगा का विजेता है, गंगे कोंड की उपाधि धारण की। अच्छा, इसके साथ एक और चीज ये भी हुई कि गंगा को जीतने के बाद इसने गंगा का जल लेके आया और उसको जो है एक झील में डलवाया, और वहाँ एक बड़ी झील बनवाई, उस झील का नाम रखा चोल गंगा, यानी चोलों की अपनी गंगा।
क्योंकि उसमें गंगा का जल था, तो वो चोल गंगम कहा गया उसे, तो चोल गंगम का निर्माण किया। ये सब कुछ किया है राजेंद्र फर्स्ट ने। इसके बाद फिर छोटे छोटे शासक हुए, उसमें परांतक वगैरह भी थे। परांतक की एक चीज़ अभी अपना आगे भी पढ़ेंगे। बाद में क्या हुआ कि वो जो वेंगी के चालुक्य थे उनसे लगातार इनका संघर्ष होता गया, और बाद में यह हुआ कि चोलों का विवाह संबंध स्थापित हुए वेंगी के चालुक्यों से, और मतलब चोलों ने अपनी एक राजकुमारी का विवाह वेंगी के राजा से कर दिया था। तो उसी में एक जो है कुलोत्तुंग नाम का चालुक्य राजा था, वेंगी का चालुक्य, वो यहाँ राजा बना है। तो बेसिकली ही वॉज ए चालुक्य बट बिकेम ए किंग इन द डायनेस्टी ऑफ चोल, तो वो है कुलोत्तुंग। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, राजेंद्र ने जब श्री विजय राज्य को पराजित किया तो वहां जो राजा था उसका नाम भी कुलोत्तुंग था, उसका नाम था सम्राट कुलोत्तुंग वर्मन, ठीक है। और यहाँ कुलोत्तुंग नाम का शासक है। कुलोत्तुंग की विशेषता यह है कि इसने टैक्स में बड़ी छूट दी लोगों को, टैक्स में कई प्रकार की छूट दी, और इसलिए इसको तरवती शुंग चोलम कहा जाता है। तरवती शुंग चोल या शुंग तरवती चोल कहते हैं, शुंग तरवती चोल, क्योंकि टैक्स में छूट दी, तमिल भाषा में कुछ है। दूसरी चीज़ कुलोत्तुंग की यह है कि इसके दरबार, इसने जो है चीन में अपने राजदूत भेजे थे, इसने कई राजदूत जो है चीन में भेजे बड़ी संख्या में, और चीन के लोग भी इसके दरबार में आए। खासतौर पर एक चाइनीज ट्रेवलर है चाउ जू कुओ, ये चाइनीज ट्रेवलर है, हु विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ कुलोत्तुंग, ए चोल रूलर। अब ध्यान रखना, चोल अगर लीनियज की दृष्टि से देखा जाए तो चालुक्य है, लेकिन डायनेस्टी की दृष्टि से देखा जाए तो कुलोत्तुंग है ना। वंश की दृष्टि से चालुक्य है, राजवंश की दृष्टि से चोल है। तो चाउ जू कुओ इसके दरबार में आया था, तो ये है चोल शासक। लेकिन चोलों की बात तब तक पूरी नहीं होती है जब तक हम उनके स्थानीय स्वशासन की बात नहीं करते हैं। चोल जो है प्राचीन भारत के इतिहास में या पूरे भारतीय इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने जो है बहुत स्वायत्त शासी प्रकार की स्थानीय स्वशासन गांव में स्थापित किया। ए वेरी ऑटोनोमस काइंड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विलेजेस। विलेजेस को यहाँ ऊर कहा गया है, ऊर, ठीक है। तो ऊर नाम की सभाएं होती थी गांव में, और मंडलम भी होते थे कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं मंडलम है, और कहीं कहीं पर नगरम भी होते थे। कस्बों में नगरम और गांव में ऊर होते थे, ठीक है। तो बड़ी स्वतंत्र पंचायतें थी जहां राज्य का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। पंचायतें ही अपने टैक्स को डिसाइड करती थी, पंचायतें ही अपने विकास कार्य को डिसाइड करती थी, पंचायतें ही न्याय करती थी ऊर में और नगरम में, कुछ जगह पर मंडलम भी होते थे। तो जो समितियां होती थी उनको वारियम कहते थे, ये सब तमिल है एक्चुअली, वारियम, पंचायत की जो समिति होती थी वारियम कहते थे, और इसके जो सदस्य होते थे उनको वारियम पेरुमक्करल कहते थे, पेरुमक्करल, वारियम पेरुमक्करल, वारियम इज द कमेटी, पंचायत कमेटी, एंड वारियम पेरुमक्करल आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमेटी। ध्यान रखना है यहाँ सदस्य बनने के लिए बहुत स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि उसे एक वेद का ज्ञान होना चाहिए, उसके पास अपना मकान होना चाहिए, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, तभी वो बन सकता है। आप देखिए एक वेद का ज्ञान होना यहाँ कितनी अच्छी शर्त है भाई, आज भी होनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि वही बनेगा जो एक निश्चित स्तर तक शिक्षित हो, लेकिन यहाँ होता था, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ होता था। और ये पंचायतें जो है पूरे स्वायत्त तरीके से ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली काम करती थी, अपने टैक्स लगाती थी और अपने स्तर पर विकास कार्य करती थी। तो ये है आपका दक्षिण भारत के सारे अलग अलग राजवंश। चोल पढ़ा, पल्लव पढ़ा, राष्ट्रकूट पढ़ा, चालुक्यों की अलग अलग शाखाएँ पढ़ी, वाकाटक पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।